ये ची बताओ कोई गलती नहीं है, ऐसे गलती होती तो मैं छोड़ देती, सोचती ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बिना गलती के मुझ पे शादी का कलंक लगा के मेरा यूज करके मुझे छोड़ दिया। ऐश तो ठीक है, वो तो कह रही है साथ रहने का, तो वो रखने को तैयार नहीं है आपको। शादी का ही नाम छुड़ाया बस, शादी का पहले मारा पीटा भगाया, इस हफ्ते में नहीं मानी तो मेरी कंप्लेन कर दी, कहते नहीं तो ऐसे तो भागेगी। मैडम खत्म करो, तो झगड़ा क्यों किया था, क्या क्रूरिटी किया? वही केस माँ को मारा, झूठा केस लगाया भगाने के लिए, इन्होंने इनकी माँ के साथ क्रूरिटी की। एक इंस्टेंस को क्रूरिटी मान लिया, एक एक घटना को क्रूरिटी हो गई। वो पढ़ा है दस्ताने वर्षे दस्ताने, व्हाट इज क्रूरिटी? एक साल साथ नहीं रहे, जानते भी नहीं होगी दूसरे को, 3 महीने साथ नहीं रहे, लेने ही नहीं आते थे नंबर ब्लैक लिस्ट में, पता नहीं किस दबाव में आके शादी की। बुद्धि पार्टी में भी डायरेक्टर प्रेजेंट क्या मतलब हुआ? सही बात है, तो वो बच्ची उसकी उसकी जिंदगी तो खराब हो गई ना, तुमने शादी बना ली, अब कहाँ जाएगी अब वो? आप बताओ मेरे को, आप खुद सोचो, एक साल भी साथ नहीं रहे और दुनिया भर के एलिगेशंस लगा दिए उसके ऊपर। और जब साथ में मैं 7000 कोशिश कर चुकी, सबके पैर तक छू लिए, लेकिन नहीं करना शादी, क्योंकि किसी और से शादी करना, किसी और को रखना, वही तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई 4-5 साल से सफर कर रहे हो समझ में आता है, एक साल भी साथ नहीं, क्या करना भाई इसमें? लॉर्डशिप, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैटर लॉर्डशिप? For the husband, lordship. My divorce petition was allowed by the trial court against that on the ground of cruelty. Against that order, they have preferred this appeal. Lordship, on the order, on the hearing dated 5th March. The decree granted. Yes, lordship. Divorce petition was allowed and decree was granted. Against that, they have preferred the first appeal. On the order hearing dated 5th of March 2020, parties were present before the honorable court and there were chances of compromise. So, Honorable Court directed that both the parties will remain present for mediation before family court and compromise be initiated. Her demand was previously for 17 lakh rupees. I was present before the family court with 17 lakh rupees cash, but on that date she did not receive and her demand increased. Thereafter, when this matter was, I filed an urgent hearing application for Honorable Court. Then, at that time also both the parties are present. Now again her demand increased to 30 lakh rupees. She is not in a condition to do compromise, lordship. So date may kindly fix for final hearing, lordship. Because order of status quo is there in this case, and I am not able to do. नहीं तय करना। Last date पे दोनों को बुलाया था। आज नहीं बुलाएंगे। अब आपको अगर तय करना है, तो आप बता दो। I will ask her. Otherwise, we'll proceed for final hearing. 24th August में kindly fix for final hearing. हाँ, नहीं। Not 24th August is too close. That time due course के लिए। स्टेटस को ऑर्डर है, इस वजह से ना तो हम शादी कर सकते हैं और ये बड़ा मुश्किल है भाई। इफ दे डोंट वांट टू आर्ग्यू फाइनली, सो आई विल फाइल एप्लीकेशन फॉर वैकेटिंग स्टे और लॉर्डशिप में काइंडली वैकेट द इंटरिम ऑर्डर ऑन स्टेटस क्लॉज बिकॉज़ ही शी इज नॉट। देखो समझा दो उसको, आज भी प्रेजेंट है। कहाँ है बोला, कौन है? I'm also ready to pay the previous amount that is 18 lakh rupees. झगड़ा क्यों किया था? पहले कंप्लेंट पहले इनकी मेरी कंप्लेंट नहीं है, पहले मैं लगाई 13 शादी कब हुई थी? मैरिज वाज 2015। तुमसे 7 साल हो गए और कब से अलग रह रहे हो? 11 महीने में तो केस हो गया। 11 महीने केस हो गया,
क्योंकि वो सलून से कहते थे शादी हुई, उसके दूसरे दिन ही बोल दिया था अपने घर जाओ, मैं नहीं आई तो मेरी कंप्लेन कर दी। और डिग्री भी हो गई, एक्स पार्टी हुई क्या? नो लॉर्डशिप, बोथ द पार्टीज अपीयर्ड, शी फाइल्ड an application under order 9 under section 9 of HMA and I filed under section 13 of HMA. Her section 9 application was dismissed and my section 13 application was allowed by the trial court. Both the parties were present before the trial court. Thereafter, in presence of both the parties, the final order was passed. So, Lordship, may kindly hear the case finally, Lordship, because otherwise she is not ready to for compromise. She is not ready for compromise because she wants to live with you. आप कहाँ रहती हो? कहाँ रहती? शिवपुरी। शिवपुरी। और ये कहाँ रहते हैं? गुना। You're also residing शिवपुरी रोड। भैया शादी क्यों बनाई थी? On the ground of cruelty I filed this application. दो महीने में क्रुएल्टी हो गई? शरारत है ना भैया, तो आप शादी नहीं बनाते, तो बनाई थी तो रहना चाहिए था, 11 महीने भी नहीं रह पाए साथ में, और केस लगा दिया। केस कब लगाया? 24th August 2016 बताओ, एक साल भी साथ नहीं रहे। इस बीच में भी सर माइकल लेने नहीं आते। शी वाज वेरी क्रूएल लॉर्डशिप। अरे व्हाट क्रूएल टॉकिंग नॉनसेंस, व्हाट क्रूएल्टी? देखिए इच्छी बताओ, देखिए बंसल साहब, ऐसा है कि हिंदुओं में शादी का महत्व कई कई दृष्टिकोण से होता है। शादी केवल दो इंडिविजुअल में नहीं होती, शादी होती है दो परिवारों के बीच में। समाज में कितनी संख्या में लोग आते हैं आपके रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, तो वो लोग शादी के गवाह होते हैं। समाज में उस आदमी का और या महिला का स्थान दोनों के साथ रहने से होता है। यू गेट रिकॉग्निशन इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ योर मैरिटल स्टेटस। यहाँ की शादियां ऐसे नहीं होती हैं कि आज किया और कल छोड़ा, या तो शादी ना करते तो वो कहीं और शादी कर लेते, पहले शादी किया, 3 महीने साथ में रहे, 1 साल से कम के पीरियड में केस लगा दिया क्रुएल्टी का, और आपकी माँ कह रही है कि तुम दोनों साथ में रहो, आपकी माँ कह रही है, लेकिन आपने शादी को मजाक बना दिया। अब किया है तो निभाओ। सर हमारा पैसा रख लिया, हमारे पापा ने क्षमता से ज्यादा दिए, छोटे छोटे मेरे बहन भाई। नहीं, पैसा पैसा कौड़ी अपनी जगह पे जो है सो अपनी जगह है वो, लेकिन किसी का जीवन क्यों खराब करना भाई, नहीं करना चाहिए था भाई, ना करते शादी, और जब किया है तो निभाओ फिर। क्योंकि ये जो कंडक्ट आपको दिख रहा है हमको, 1 साल हुए नहीं वहां पे केस लगा दिया, और वो भी क्रुएल्टी का, और माँ बोल रही है, आप जजमेंट में डिस्कस हुआ है, वो कह रही है दोनों साथ में रहो, ये तो गलत बात है। अब वो कहाँ जाएगी वो, और कहीं शादी करेगी तो क्या दिक्कतें आएंगी आप समझ सकते हो? क्यों खेलते हो किसी की जिंदगी से? कोई बुलाइए आप एक दिन यहाँ पर, ये हरकत ठीक नहीं है।
अगर आज हम लोग आपको परमिट कर दें तो कल आप उस किसी और की शादी करोगे, फिर उसको भी गड़बड़ करोगे, फिर कहोगे हम क्या कहीं और शादी करेंगे, तो कोर्ट से मुकदमे डिग्रियां लेते आएंगे हम। ऐसी डिग्री होती है क्रुएल्टी की, एक साल साथ नहीं रहे वो क्रुएल्टी की डिग्री हो गई, और जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे उसके खिलाफ कि आपकी माँ से मिसबिहेव करती है, और वही लेडी बोल रही दोनों को साथ रहना चाहिए, क्या फाइंडिंग आई होगी क्रुएल्टी की? टोटल परवर्स ड्रामा फसाई। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन मेरिट्स, एनीवे यू कॉल हिम, कैंडली फिक्स द डेट फॉर योर पर्सनल अपीयरेंस, लेट द वीके सो एंड सो अपीलेंट अलोंग विद द अपीलेंट एंड सो एंड सो फॉर रिस्पोंडेंट, लेट अपीलेंट रिस्पोंडेंट रिमेन प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट 24th ऑगस्ट ऑन नहीं ऑगस्ट इज वी हैव कैलेंडर इज फुल विद केसेस विल हैव